हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है होलिका दहन का दिन और मॉर्निंग में ही ना मैंने आज बच्चों की अलमीरा थोड़ी सी साफ़ की थी। जो भी विंटर्स के कपड़े हैं वो मैंने अलग निकाल दिए थे, वो मैं बेड में रख दूँगी समेट कर। और समर्स के मैंने कपड़े सारे सेट करने लग गई थी अलमीरा में, क्योंकि अब गर्मी ना काफ़ी हो गई है, पहने ही नहीं जाते हैं, फुल स्लीव्स भी नहीं पहना जाता। तो मैंने सोचा आज मैं बच्चों की थोड़ी सी अलमीरा साफ़ कर देती हूँ। और जो जो कपड़े उन्हें छोटे हो गए हैं ना, वो मैंने अलग रखने स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं वो कपड़े सारे बाहर दे दूँगी। हमारी सोसाइटी के बाहर बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं जो दूसरे टावर बना रहे हैं, मज़दूर लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उन सब के घर हैं, उनके बच्चे हैं, उनको मैं दे दूँगी शाम को जाकर। तो देखिए पूरी अलमीरा मैंने उनकी बिल्कुल टिप टॉप कर दी, सेट कर दी अच्छे से, सारे समर्स के कपड़े लगा दिए, सारे सेट कर दिए थे। तो यहाँ पे ये थैला मैंने भर दिया था जिसमें उनके छोटे कपड़े हैं, सारे विंटर्स के भी हैं और समर के भी हैं। तो बस ये सब मैं अब बच्चों को जाके दे आऊँगी। और हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं, जो भी कपड़े उनको छोटे हो जाते हैं ना, हम यहाँ पे आकर, जैसे कि हमारी सोसाइटी के ना दूसरे टावर बन रहे हैं अभी और ये सामने वाले टावर्स में हम रहते हैं, तो यहीं के वर्कर्स के ना यहाँ पे घर बने हुए हैं, उन्होंने बना रखे हैं टिन के घर, तो उन्हीं के बच्चों को हम लोग दे देते हैं। मेरे भी दे देती हूँ, बच्चों के भी, मेरे हस्बैंड के भी, जो छोटे होते हैं कपड़े, जो नहीं पहनते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं पहना है, तो हम यहाँ दे देते हैं उनको। तो बस वॉक के लिए निकले थे तो मैंने वहाँ पे दे दिए थे, बच्चे भी पीछे पीछे आ गए थे। और होलिका दहन का दिन है तो हमारी सोसाइटी में लगा है मेला, वहीं पे होलिका दहन होगा। स्टॉल्स भी लगे थे खाने पीने के और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी चीज़ें लगी थी यहाँ पर। आप लोग एंजॉय करें, आपके एंजॉय के लिए हमने यहाँ पे काफी सारे स्टॉल लगाए हैं, साथ में डीजे भी चल रहा है आपके लिए। 10:27 पे मुहूर्त है, पंडित जी हमारे बहुत ही मदद आते हैं संपूर्ण वासियों के लिए, तो इनके लिए सारे। अब दोस्तों ये है होली का दिन, सुबह मॉर्निंग का टाइम है और हम हमारी मम्मी के यहाँ आ गए थे। मेरी मम्मी भी हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, उनके घर आ गए थे हम। तो यहाँ पे बस बच्चों ने और हस्बैंड ने गुब्बारे फुलाने स्टार्ट कर दिए थे, बस ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अभी, सुबह सुबह उठते ही बस गुब्बारे फुलाने शुरू कर दिए थे। क्या हो रहा है, ये अपने आप ही गिर जाते हैं। हाँ हाँ, ईशान पीछे हो जाओ। सही है, क्या बना रहे हो मम्मी? पकौड़े बैंगन के, पनीर के और बैंगन के। जाओ खा लो धीरे, अच्छा बना है। और यहाँ मेरी मम्मी बना रही है बैंगन के पनीर के मज़ेदार से पकोड़े। होली के दिन तो पकोड़े बनते ही हैं, है ना? वो ले जा। बेकिंग सोडा डाला है, जरा सा डालना पड़ता है, मैं तो छोड़ लेता हूँ। क्या मांग रहे थे? गुब्बारा मांग रहे, और क्या दे रहे थे? पकड़ा रहे थे, पकड़ा रहे थे। और पीछे ईशान रो रहा है कि उसे गुब्बारे चाहिए फोड़ने के लिए। तो बस हमने बोला कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें फिर खेलते हैं, बट नहीं, जिद पे अड़ा हुआ था।
हाँ और खेलेगा और ये हमारी सोसाइटी में नीचे लोग खेल रहे हैं, यहाँ फाउंटेन चलते हैं तो फाउंटेन पे आ गए थे सब। और वैसे टिकट लेकर वहाँ पे रेन डांस भी था पार्किंग एरिया में, बीच में गाना अलाउड ही नहीं होता है ना, तो कुछ लोगों ने रेन डांस में एंजॉय किया, कुछ लोगों ने फाउंटेन पे आकर एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड तो रेन डांस के लिए चले गए थे पापा के साथ, लेकिन हम लोग घर पे थे। वो सामने आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देती जूम करके, वहाँ पे रेन डांस चल रहा था और वहाँ के लिए एंट्री फीस थी 50 rupees पर हेड। होली तो ऐसा त्यौहार है, सब लोग अपने अपने रंग में इंजॉय कर ही लेते हैं, कोई किस तरह से कोई किस तरह से। और ये हमारी सोसाइटी का स्विमिंग पूल बस स्टार्ट होने वाला है इसी साल के एंड तक, तो नेक्स्ट ईयर होली में भी सब लोग स्विमिंग पूल के अंदर ही खेलेंगे। वहाँ क्यों नहीं, हमने नहीं जाना, नहीं यार। हाँ चलो और फिर बच्चे भी ना खेल के थक गए थे, वो लोग सुबह से उठे हुए थे, तो बस मैं उनको फिर अपने घर ले गई थी और फिर उनको नहला धुला कर मैंने सुला दिया था। और फिर मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हो गई थी, मैंने कॉफ़ी बना ली थी और आके बस 10 मिनट के लिए बैठी थी बाहर। सो ऐसा रहा दोस्तों हमारा होली का दिन। मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे नीचे से, वो रेन डांस वाले प्रोग्राम में गए हुए थे। और आपको वीडियो में हमारी छोटी सी होली कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।